जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। आपका कुंवारा बेटा और वो तलाक याफ्ता लड़की, वो फंसा के ले गई ना, तो आप बेटी देखती रहिएगा। ये अजहर ने बनवा कर दिया क्या? मेरी चूड़ियां वापस करें। मेरे बेटे की कमाई की चूड़ियां हैं ये, इन पर मेरा हक है। जान से मार दूंगा इसको। खबरदार एक लफ्ज़ मत बोलना। तो जाती क्यों नहीं है ये? खड़ी हुई है, शक्ल गुम करो यहां से। क्या एहसास करो, मर्द बनो, क्या आवाज खो रहे हो अपने। शुक्र करे शक्ल पहचान रहा हूं आप लोगों की, ना कसर तो कोई नहीं छोड़ी थी। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। मेरी डॉली प्लीज, डॉली मुझे नहीं, अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम उसकी डॉल वापस करो। नहीं मैं नहीं दूंगा, मुझे इससे क्या है? क्या शोर हो रहा है इधर? कितनी बदतमीज है ये, है बाहर तक तुम्हारी आवाजें आ रही है चिल्लाने की। तमीज सिखानी है ना तो अपने बेटे को सिखाओ। मेरी बेटी की गुड़िया वापस नहीं कर रहा। और ये तुम जो आगे से उससे बदतमीजी कर रही हो, हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? तुम्हारी बेटी को देखा है कितनी बदतमीजी कर रही है? बदतमीजी करेगी इसका मतलब है तुम उसको मारोगी? तो और क्या करूंगी इसके साथ? बेटे को समझाओ, वो बदतमीजी। क्या हुआ है, क्या हुआ है, किस बात का शोर है ये? क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो आप? पप्पू ने मुझे मारा, गुड्डू ने मेरी टोर छीनी। चुप, वापस करो, वापस करो उसका। इधर आओ तुम। अरे बात सुनो, आज के बाद अगर ऐसी शरारत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भाभी आप क्यों पड़ी हुई हैं अब तक किस घर में? चली जाए अपने घर, ना कोई बड़ा नुकसान उठा ले किया। यहां पे ना आप महफूज हैं ना आपकी बेटी। जितना जल्दी हो सके निकल जाए जहन्नम से। चलो गुड्डू यहां से, चलो बदतमीज़। मासूमा आओ, ऐसे इंतजार तो तुम्हें किसी और का होगा। रोज ऑफिस की वापसी में इधर ही हाजिरी देता है ना वो। ऐसे दाद देती हूँ तुम्हें सफीर, जैसे ज़हीन इंसान को तुमने अपनी दास्तानें सुना सुना के अपनी मुट्ठी में कर लिया। कभी कभार मुझे तो लगता है तुम्हें उस्मान के तलाक से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शायद यही वजह। सच हमेशा कड़वा लगता है रिता, और ये सिर्फ मैं नहीं पूरा मोहल्ला बोल रहा है ये बातें। वैसे अभी तो तुम्हारी हमदर्दी में, तुम्हारी मीठी बातों में आके सफीर तुम्हारे हक में फैसला कर तो लेगा, लेकिन फिर क्या होगा? फिर उसे अपनी गलती का एहसास होगा और तुम्हारे अधूरेपन का, फिर तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। अरे मैं तो सिर्फ तुम्हें आईना दिखा रही हूँ, अच्छी तरह देखो रेखा। चली हुई गर्दन, टांग में नुक्स, और उससे भी बढ़कर तलाक याफ्ता और सफीर के ना चेहरे में नुक्स है और ना ही किरदार में कोई छोर। अब ईमानदारी से ये कोई जोड़ नहीं है तुम दोनों का। आप नीचे से चले जाओ। मैंने कहा ना सच करवा। मैं आपसे कह रही हूँ आप यहाँ से चली जाएं, क्योंकि इसके बाद मैं आपका एक भी जुमला बर्दाश्त नहीं करूँगी।
नहीं यार सतीर, मैंने बहुत कोशिश करके देख ली हूँ। जिंदगी की तरफ वापस ही नहीं आना चाहती, बहुत मायूस है। उसने अजाब भी तो बहुत बुरा झेला है, थोड़ी आजमाइश से गुजर रही है, थोड़ा वक्त ही ठीक हो जाएगी। उसकी सेहत पहले ही इतनी वीक है, इस सानी को सोचती रही तो और बीमार हो जाएगी। हमें उसे उम्मीद दिलानी होगी, हालात से लड़ने की हिम्मत दिलानी होगी। तो अब हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? मेरी बात माने तो मैं तो कहती हूँ कि रिदा को अपने हाल पे छोड़ दें, वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, आहिस्ता आहिस्ता खुद ठीक हो जाएगी। मैंने सोचा है कि उसकी टांग का जख्म थोड़ा भर जाए, फिर हम दोनों एक इदारा ज्वाइन कर लेंगे जो दुखी इंसानियत की फलाह के लिए काम करता है। जब अपने से बुरे हालात से गुजरने वाले लोगों को सर्वाइव करते हुए देखते हैं और लावारिस लोगों की मदद करते हैं तो हिम्मत और उम्मीद खुद ब खुद दामन थाम लेती है। सादिया बिल्कुल ठीक कह रही है, वैसे भी अब तो रिदा की दोबारा शादी भी नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं अपने आप को मसरूफ कर लेगी तो उसके लिए ही बेहतर होगा। वैसे भी कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो फिक्र ना करो नीक, सादिया बिल्कुल ठीक कह रही है। जिस इदारे में मैं काम करता हूँ सादिया अक्सर हेल्प के लिए आती है, रिदा साथ चलेगी तो उसका दिल भी बहल जाएगा। खाना नजर नहीं आ रही, कहाँ है? वो नमाज पढ़ के थोड़ा आराम करती है, आज सो गई है। चलता हूँ मैं, इंतजार कर रही होगी ना घर पे, तो चलता हूँ मैं। तौबा, पता नहीं अपने घर के मसलों में हमें क्यों घसीट लेते हैं। खैर, अल्लाह ताला रिदा के लिए बेहतरी करे। सफीर, आप तो चेहरे से बहुत थके हुए लग रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आप थोड़ी देर रेस्ट कर लें और मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं, इस वक्त नहीं भाई, दोपहर में तो बहुत गर्मी होती है, शाम को देखेंगे अगर निकलना चाहो। पर याद से अम्मा हैं। किधर की तैयारी है ये, क्या मतलब है? तुम कहाँ जा रही हो सामान बांध के और हमसे पूछने की जरूरत भी महसूस नहीं की, इतनी मनमानी? तुमने सुना नहीं है? मैं वापस आ रही हूँ। तुम तो घर खरीदने नहीं आई थी? खरीदने आई थी लेकिन अपना इरादा तर्क कर दिया मैंने। क्यों? जब मुझे यहाँ रहने नहीं है तो इसके लिए मकान खरीदो। मकान तो तुम्हें खरीदना पड़ेगा। तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली? मेरा पैसा है, मेरी मर्जी, मैं खरीदूं ना खरीदूं। मकान तो तुम्हें खरीदना पड़ेगा, ऐसे तुम नहीं जा सकती यहाँ से। छोड़ू, घिन आती है मुझे तुमसे, छोड़ूंगी तुम्हारा हाथ। अच्छा बस, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है मनहूस औरत। मेरी बात सुने, आपने जो कहना है आप कहती रहे, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। गाड़ी आ गई है, चले आओ बेटा। अच्छा तो तुम्हें पता था कि ये जा रही है यहाँ से? हाँ, तुम भी मिले थे इसके साथ। आज छोड़ो इसका। नहीं छोड़ूंगी। आज छोड़ो, चलें भागिया, चलो बेटा चलो। इसकी कितनी हिम्मत बढ़ गई है इकबाल की, ये समझता है इस घर में इसका हाथ रोकने वाला अब कोई नहीं। आ जाए उस्मान, मैं करती हूँ उससे बात।
गैरत दिलाने की कोशिश करती हूँ उस नामुराद आशिक को। बहुत शुक्रिया एक बार भाई, आपने मेरी बहुत हेल्प की है। शुक्रिया अदा करके शर्मिंदा मत करो बहन, मुझे कुछ तो कुफारा अदा करना था ना। बस अब तुम जाओ और यहाँ वापसी आने का सोचना मत। चलिए फरीन चली गई क्या? जी बस जा रही है। शुक्र है अल्लाह का, जिंदा सलामत अपने शोहर के पास चली गई। बड़े ही जालिम और जल्लाद लोग हैं। मैं तो कहती हूँ तुम भी निकल जाओ अपने बच्चों को लेकर यहाँ से, ये लोग इस काबिल नहीं कि इनसे रिश्ते निभाए जाएं। कितनी गलत बात है, मेहमान होकर मेजबान की खातिरदारी कर रही हूँ। मेहमान थोड़ी हो सादिया, तुम तो मालकिन हो इस घर। सीरियस क्यों हो रही हो? जल्दी से पियो फिर हम कहीं बाहर चलते हैं। मुझे नहीं पीना और ना ही मुझे कहीं बाहर जाना है। क्यों नहीं जाना? सादिया तुम क्यों नहीं समझती? हाँ मैं बिल्कुल नहीं समझती। थोड़ी देर में सफीर भाई गाड़ी लेकर आ रहे हैं, फिर हम लोग साथ चलेंगे। सफीर भी जा रहा है? नहीं फिर तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती। रेदा इधर देखो मेरी तरफ, क्या हुआ है मुझे बताओ, ऐसे क्यों कह रही हो तुम? सादिया तुम जानती तो हो, तुम खुद इस वक्त से गुजरी हो। जब हमारे माशरे में किसी लड़की की डिवोर्स हो जाए या फिर वो बेवा हो जाए तो उसकी हैसियत इनके से भी हल्की हो जाती। जिसका जो दिल चाहे उसे कह देता है। तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? तुम ना कहीं आती जाती हो ना किसी से मिलती हो, फिर किसने कहा है? मासूमा बाजी ने तो कुछ नहीं कहा। मोनी ने कहा होगा। उनकी बातों को दिल पर मत लिया करो, वो ऐसे ही बोल जाती हैं। कुछ लोगों का मिजाज ही ऐसा होता है, उन्हें दूसरों को नीचा दिखाने में खुशी मिलती है। उनकी बातों पे ध्यान मत दिया करो, उनकी नेचर ही ऐसी है। मैं तो सोचती हूँ आज उसने कहा है, कल कोई और कहेगा। किस किस की जुबान रोकोगी तुम सादिया? किस किस को सफाइयां पेश करेंगे हम? और इस माशरे में ज्यादातर लोग मासूमा की तरह सोचते हैं। तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस कर रही हूँ, तुम हमारे साथ जा रही हो। सादिया मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है और मेरा दिल भी नहीं चाह रहा है, प्लीज। मुझे अपने जहेज के लिए कुछ सामान लेना था तो सोचा तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी, तुम्हारे मशवरे से लूंगी सब। तुम अपने जहेज की शॉपिंग के लिए जा रही हो? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? भाई से कहती हूँ मेरी तरफ से तुम्हें कोई अच्छा सा तोहफा दिलाएंगे वो। अच्छा ये बात बाद में करना, जल्दी से जूस पियो। शाबाश। पियो। पी रही हूँ। तुम ये कह रही हो कि रिदा शादी की शॉपिंग पे जाने के लिए मान गई है? ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा चलो मैं बस फौरन आया। कहाँ जा रहे हैं? शॉपिंग पे। यकीनन रिदा से ही मिलने जा रहे होंगे, उसका दिल बहलाने के लिए। वैसे इतनी हमदर्दी हद से ज्यादा नहीं? मासूमा चाबी दो। देखिए सफीर बुरा मत मानिएगा लेकिन वो लड़की आपको पागल बना रही है।
मासूमियत का ढोंग रचा रही है सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो आप ही हमदर्दी हासिल कर सके। मासूमा मैंने कहा ना चाबी दो। अच्छा मैं भी आपके साथ चलूंगी। इसमें जाने में देर लगेगी, मैं भी जा रहा हूं। अरे सफीर बात तो सुने। तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे कॉल मत किया करो, एक बात समझ में नहीं आती क्या तुम्हें? मासूमा मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैंने उस लड़की को तुम्हारे बारे में बता दिया था, उसने खुद मंगनी खत्म की है, अब हमारे रास्ते में कोई दीवार नहीं, मेरा यकीन करो। हेलो हेलो जी, अनपढ़ जाहिल गवार, मैं भी क्या सोच रही थी, इतनी लिफ्ट करा रही फजूल में मैंने इसे। अजहर को बताना, बताना उसे कि वो उसकी बीवी क्या गुल खिला के गई है, सास ससुर तो वो हमें समझती ही नहीं, मुलाजिम समझती है। और बताना घर भी नहीं खरीदा उसने इस बार, वापस चलेगी वैसे ही, बल्कि मेरी बात कराओ उधर से, मैं करती हूँ, मैं बताती हूँ। अरे वो नामजार काल उठाए तब बात कराऊंगा, मुझे तो लग रहा है कि वो दोनों वहां पहुंच गई हैं, उन्होंने हमारे खिलाफ कान भर दिए। अल्लाह की मार उन दोनों पे। वो दूसरे सर पर नाकाम आशिक वो भी नहीं आया अभी तक घर। हाँ अब्बा वैसे उस्मान की सरगर्मियां ना काफी मशकूक लग रही है मुझे, भाई बीवी को इसने तलाक दी तो हमारा क्या कसूर है, हमें किस चीज का गुस्सा दिखा रहा है? ये बिल्कुल ठीक कह रही है काशवा, आज वो आ जाए घर, उससे जरा सख्ती से बात करें। अरे आए तब ना, वो तो लगता है घर का रास्ता ही भूल गया। और अब्बा इस बार उसने तनख्वाह भी नहीं रखी ना आपके हाथ में? हाथ इतना तंग हो रहा है, अजहर साहब ने मुझे पैसे कम दिए, बीवी को बहुत ज्यादा भिजवा दिए, और ये दूसरे जो है ये तो सारी दुनिया ही भूल गए, अगर इन्हें कुछ याद है तो वही चालबाज औरत। और तुम्हारा मियाँ कहाँ है, उस पर भी नजर रखा करो, देखा था ना किस तरह अजहर की बीवी का खुल्लम खुल्ला साथ दे रहा था हमारे मुकाबले में। तेवर उसके मुझे भी सही नहीं लग रहे। अरे आप लोग उसकी फिक्र ना करें, उसे किस तरह संभालना है मुझे अच्छे तरीके से पता है। मिलाए ना अजहर से कॉल? अरे बैल जा रही, उठा ही नहीं रहा, क्या करूं? अब्बा इस बार फोन उठाए ना तो सही से खबर लीजिएगा उसकी। बेटों से कैसी बात करनी है अच्छी तरह जानता हूँ मैं, तुम जरा अपने शौहर को फोन करो, पूछो कहाँ रह गए नवाब साहब। गुड्डू कहाँ है? स्कूल से थका हुआ आया था ना अम्मा तो सो गया है। अरे अब्बा मुझे स्कूल से याद आया, वो ना गुड्डू की फीस देनी है। अब तो इकबाल से कहो ना किस मर्ज की दवा है वो। पैसे नहीं है उसके पास अब्बा। क्या मतलब, क्या तनख्वाह सारी अम्मा को दे दी अपनी? वो दरअसल मौसम बदल रहा है ना तो मैंने अपनी और गुड्डू की शॉपिंग कर ली थी। उस्मान से लेके दे देना, अब तो वो अकेला है, कहाँ करने है उसने पैसे खर्च, उसे लेके दे दीजिएगा अब्बा। तो फिर कैसी रही शॉपिंग? रिता बता रही थी सब कुछ बहुत अच्छा रहा। आज का दिन वाकई बहुत अच्छा रहा, सब कुछ आपकी वजह से। मेरी वजह से? मैं तो वहां था भी नहीं। आपके दिए हुए एतमाद और यकीन की वजह से मैं वापस जिंदगी की तरफ लौट, वरना मुझे लगता था खुशियों पर इन रंगों पर मेरा कोई हक नहीं है। आपने मुझे फिर से जीना सिखाया है और आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं पाऊंगा। बस एक बार शादी होके तुम इस घर में आ जाओ, फिर मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलना मेरी जिंदगी। और अभी चाय पी के बताओ कि अच्छी बनी है बुरी? गुड्डू की फीस जमा करानी है, कल आखिरी तारीख है। तो मैं क्या करूं? जिसकी औलाद है वो कराए फीसें जमा, मैं अब किसी की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। जर खरीद और लावारिस तो वो थी जिन्हें आप यहां ब्याह कर लाए थे। अच्छा, बड़ी हमदर्दियां हो रही है उनसे, बाला ही बाला को रिश्ते तो कायम नहीं कर दिए थे। नहीं पता नहीं आपको सुनकर कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन भाई रिदा की बात कर रहे हैं। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है।
कहाँ से आ रहे हो? बाहर से। वो तो मैं भी देख रही हूँ, वक्त देखा है तुमने? दफ्तर से छुट्टी का टाइम तो नहीं है ये? और कितने सवाल पूछने हैं? सुबह बात करेंगे, थका हुआ हूँ, सोने जा रहा हूँ। अच्छा रुक जाओ, पता है ना आज क्या तारीख है? अभी तक तुमने तनख्वाह नहीं दी। अब नहीं दूंगा, बताना भूल गया था। क्या, क्यों नहीं दोगे? क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ, जॉब छोड़ दी मैंने। क्या, जॉब खत्म हो गई? कैसे, क्या झगड़ा किया तुमने कोई दफ्तर में? साइन कर दिया मैंने। यानी रिजाइन दे दिया, किसी से बात किए बगैर, हमसे पूछे बगैर? उस्मान घर का खर्चा कैसे चलेगा? गुड्डू की फीस जमा करानी है, कल आखिरी तारीख है। तो मैं क्या करूं? जिसकी औलाद है वो कराए फीसें जमा, मैं अब किसी की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। अरे मैं एक थप्पड़ लगाऊंगी, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर इस तरह बात की तो। लो आ गए, बादशाह सलामत आ गए। इसको ले जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं बता रहा हूं, इसको गुम कर लो मेरे सामने से। इसको कहो कि अपनी शक्ल लेके मेरे सामने ना आए दोबारा। ये मैं ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? तुम गुस्से में हो उस्मान, बैठ जाओ। अरे कोई गुस्सा गुस्सा नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूं। इसको लो और जाओ यहां से, निकलो यहां से, अपने अपने घर लेकर जाओ इसको। तुम्हारी बहन है, इस तरह बात मत करो। अरे कोई बहन में नहीं है, ये मेरी बहन। रब इस घर में मेरा कोई नहीं है, बस बहुत हो गया है। अब और बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। इसको लो, जाओ यहां से, निकलो निकलो। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत थके हुए हो ना तुम, न जाने कहां कहां की खाक छान कर आए हो। तुम जाओ ऊपर सो जा, सुबह कर लेंगे बात। जाओ। या अल्लाह, अम्मा आपने देखा किस तरह बेअदबी से बात कर रहा था मुझसे? तीतों का पानी भर गया भाई। काशवा चलो, गुड्डू इंतजार कर रहा है। नहीं मैं अभी ऊपर नहीं जा रही, जिस तरह से बात की ना मैं डर गई हूँ। माँ वो किस तरह बात कर रहा था मुझसे पता है? मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है उससे। मुझे कितनी नफरत भरी थी उसकी आंखों में मेरे लिए। रिदा। हाँ बस एक मिनट, मैं आ रही हूँ। एहसास नहीं है तुम्हें किसी बात का? इंतजार हो रहा है। मैं बना रही हूँ, बस मुझे एक मिनट दीजिएगा। जल्दी करो, आके चाय बनाओ, मैं और तुम्हारे अंकल इंतजार कर रहे हैं। जी मैं बनाती हूँ। खाना क्या बनाया है? इंतजार कर रहे हैं बाहर खाने का। रिदा कहाँ भाई? मैं बस हो गया, मुझे एक मिनट दीजिए, मैं सब कुछ बना के ला रही हूँ। रिदा वो उस्मान, मैं नाश्ता बना रही हूँ, आप मुझे एक मिनट दीजिए, मैं आके देखती हूँ। दो बज रहे, ये तो अम्मी का घर है।
मुझे नाना ने स्कूल के लिए रेडी कर दिया। ठीक है। अभी तक तुम कमरे में बैठी हो, मेरे नाश्ते को तो भाड़ में डालो, बच्चे को तो दो कुछ खाने के लिए। इकबाल मैं सारी रात जागती रही हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे नींद नहीं आई है। ये तो रोज का मामूल बन चुका है, नाश्ता दे दो बच्चे को, देर हो रही है स्कूल को। इकबाल मैंने तुम्हें अभी कहा है कि मैं सारी रात जागती रही हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। बजाय इसके कि तुम दो बोल हमदर्दी के मेरे साथ बोल दो, तुम इस तरह बात कर रहे हो मुझसे। चलो बेटा नाश्ता करा दो। सुनो मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी कुछ खिला दो प्लीज। क्यों, तुम्हारी वालदा मोहतरमा है ना, बना देंगी नाश्ता तुम्हारे लिए। मेरी बूढ़ी माँ नाश्ते बनाएगी मेरे लिए। क्यों नहीं बनाएंगी, बाजार तो फौरन जाती है शॉपिंग के लिए, किचन में थोड़ी देर खड़े होकर तुम्हारे लिए नाश्ता नहीं बना सकती। तो होती है। चलो गुड्डू चलो। अच्छा इकबाल सुनो ना मेरी बात, इकबाल मेरी बात तो सुनो। इकबाल इकबाल थोड़े थोड़े सारे सारे आते जाते ये धारे पार कैसे जाए कोई पानियों पे अंगारे अंगारे सांसें हैं रुकती पौरें हैं दुखती हमने हर गम को हायूं हायूं गुजारा है जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। उस्मान वो ना डॉक्टर साहब अभी बता के गए मेरा भाई कि वो बच्चे को नहीं बचा सके। काशवाबाजी ने लगाई थी। ख्वाहिशों की तस्वीरों से रंग काहे उड़ जाते हैं क्यों ना ऐसे पल जो जिंदगी से जुड़ जाते हैं कुछ भी न बोले होंठों को सीले जीना जो चाहे मर मर के जीले हर गम को यूं गुजारा है जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा। भाई चलो भाई चलो, पार्क बंद हो रहा है, चलो टाइम खत्म हो गया। चलो भाई जल्दी। चलो जल्दी चलो। अरे आप घर पर हैं? शुक्र है आपका चेहरा तो नजर आया। बस बाहर ही जा रहा था। कहाँ जा रहे हो? कहीं आप रिदा के यहाँ तो नहीं जा रहे थे? क्यों, क्या मुझे रिदा के घर नहीं जाना चाहिए? देखिए सफीर रसूलन तो ये बात सादिया या खाला को आपसे करनी चाहिए लेकिन वहां बार बार जाना आपके लिए मुनासिब नहीं है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लोगों का क्या है, उनका तो काम है बातें करना। देखिए आप तो मर्द हैं, आप ये कहकर लापरवाही से आगे बढ़ जाएंगे लेकिन रिदा के किरदार पे बदनामी का दाग लग चुका है, वो कभी मिट नहीं सकता। जो कुछ भी रिदा के साथ हुआ मैं जानती हूँ कि वो बहुत अफसोसनाक है लेकिन उसका दर्द बांटने के लिए उसे सहारा देने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आपका वहाँ जाना जरूरी नहीं
और इसी में रिदा की भलाई है। मेरी बात का यकीन करें, मुझे रिदा से हमदर्दी है, इसीलिए ये सब कह रही। ये क्या कर रहे हो? घर जा रहा हूँ अम्मा से मिलने। क्या मतलब घर जा रहा हूँ? मुझसे पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं मुझे तुमने। क्योंकि अचानक प्रोग्राम बना है। मैं फैसला कर चुका हूँ, अम्मा को भी बता दिया, वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। नहीं, इधर दो ये, तुम कहीं नहीं जा रहे, बस। ये हर वक्त ना अपनी मनमानी करने की कोशिश मत किया करो। मैं फैसला कर चुका हूँ, अम्मा को बता दिया है, वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। पर एक बार मेरी बात तो सुनो, मेरी तबीयत नहीं ठीक, तुम जानते हो ना इस बात को। हाँ तो अकेले तो नहीं रहती हो ना तुम यहाँ? हाँ वो सब कुछ ठीक है, पर रात को मुझे डर लगता है, मुझे नींद नहीं आती। प्लीज एक बार, प्लीज मत जाओ, प्लीज। अश्वा जी। अब्बा क्या बात है, क्या हो रहा है भैया? बैग कहाँ की तैयारी तुम लोगों की? नहीं मैं नहीं कहीं जा रही अब्बा, ये जा रहा है अपने घर वालों से मिलने। अब्बा ये जानता भी है मेरी तबीयत नहीं ठीक है, फिर भी देखिए मुझे छोड़ के जा रहा है, नहीं सुन रहा। ये क्या कह रही, तुम सुन नहीं रहे? जी सुन रहा हूँ। फिर भी बैग उठाया हुआ? क्योंकि मैं फैसला कर चुका हूँ। और रही बात आपकी बेटी की, तो ये अपने मतलब के लिए कोई भी ड्रामा रचा सकती है। खुद खर्च खुद परस्त। दिमाग खराब हो गया है? किसके सामने खड़े होकर बात कर रहे, भूल गए क्या? जी नहीं, मैं नहीं, आप भूल गए। मैं इस घर का दामाद हूँ, बहू नहीं हूँ। कि तुम किस लहजे में बात कर रहे हो अब्बा से इकबाल? मैं सब भूल चुका हूँ, तुम लोगों के साथ रहते रहते शर्म इखलाक हया सब भूल चुका हूँ मैं। अगर तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहना ना, तो तुम भी चलो साथ। तुम जानते हो ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इतना लंबा सफर नहीं कर सकती हूँ मैं, फिर भी मुझे कह रहे हो साथ चलने को। तो ठीक है मत जाओ। तुम क्या समझ रहे हो, लावारिस है क्या? नहीं जी, जर खरीद और लावारिस तो वो थी जिन्हें आप यहाँ ब्याह कर लाए थे। अच्छा, बड़ी हमदर्दियां हो रही है उनसे, बाला ही बाला को रिश्ते तो कायम नहीं कर रहे थे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि शर्म करें, क्योंकि मैं जानता हूं शर्म और हया करने वाले लोग कोई और ही होते हैं। अरे इकबाल रुको ना, अब जरा देखिए इसे कितनी बदतमीजी करके गया है आपसे। जो जैसा होगा वही करेगा और क्या करेगा। ये भी ठीक है, देख लूंगा मैं से। भाई क्या कहना चाह रहे हो? मुझे लगता है मुझे बताना पड़ेगा भाई। अम्मी भाई अब शादी करना चाह रहे। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छी बात भी है और खुशी की बात भी है, लेकिन शादी करने के लिए एक अदद लड़की की भी तो जरूरत है। हाँ बिल्कुल, भाई अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाह रहे हैं। ये तो और भी अच्छी बात है। कब मिल पा रहे हो? आप जानती हैं उस लड़की को? तो फिर बताओ भी सही कौन है। मुझे पता नहीं आपको सुनकर कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन भाई रिदा की बात कर रहे हैं और मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। अम्मी रिता एक बहुत अच्छी लड़की है, मुझे यकीन है कि वो एक बहुत अच्छी बीवी और बहू साबित होगी। मुझे यकीन है सफीर, मैं तो उस घराने की मोहब्बतों की बहुत मकरूज हूँ। उन लोगों ने हमारा उस वक्त साथ दिया जब इस घर में उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही थी, और अगर आज वो लोग इसी आजमाइश में हैं, तो मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ? मुझे तो ये फैसला बहुत अच्छा लगा।
बहुत बहुत मुबारक हो भाई। मैं कुछ मीठा लेके आया। बिल्कुल। कब बात कर रहे हैं हम जाके? जब आप कहें। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा अम्मी। मुझे तो लगता है सफीर के दिमाग में खलल है और अंधा भी है शायद। सामने इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है, मरा जा रहा है उस तलाक याफ्ता लड़की से शादी करने के लिए। भाई जो माँ बेटियां है ना, ये इतनी मासूम नहीं है जितनी दिखती हैं। एक नंबर की अय्यार और मक्कार हैं। और ये सफीर है ना, अकल का अंधा नहीं था, इसे बना दिया गया है। अरे तोबा तोबा, अल्लाह बचाए ऐसी अय्यार औरतों से। अरे मेरी मासूम बच्ची कैसे खाली हाथ रह गई? कोई खाली हाथ नहीं, मासूमा भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। मैंने भी सोच लिया क्या करना। क्या सोच लिया? क्या खालदा की मिन्नत समाजत करोगी? अरे वो एक नहीं सुनेगी अपने बेटे बेटी के सामने। मिन्नत नहीं करूंगी मैं किसी की, ऐसी चाल चलूंगी कि ये लोग सफीर का रिश्ता मुझसे करवाने पर मजबूर हो जाएंगे। बस आपको मेरा साथ देना होगा। हाँ हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा जरूर साथ दूंगी। तुमसे मोहब्बत जो हो गई है बिल्कुल अपनी अपनी सी लगती हो, पर करना क्या होगा? कोई मुश्किल काम नहीं है, बस तैयार रहना। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मैं बाद में बता। सुनो बेटा, मुझे जरा 15-20 हजार रुपए की जरूरत है। 15-20 हजार? होश में तो 15-20 हजार रुपए कहाँ से लाऊंगी मैं? देखो मैं जानती हूँ ये मामूली सी रकम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम इनका बंदोबस्त आराम से कर लोगी। और वैसे भी तो अपने अपनों के ही काम आते हैं, जैसे मैं तुम्हारे काम आ रही हूँ। बंदोबस्त जल्दी कर लेना। हाँ हाँ कर लूंगी, चलती। सुनो जब भी बुलाओगी ना तो मैं आ जाऊंगी फौरन। हाँ हाँ ठीक है। हाय हाय बड़ी ही तेज लड़की है भाई ये तो। मासूमा मासूमा प्लीज मेरी बात सुन लो, फोन मत काटना प्लीज। ये तुम्हें हो क्या गया है? कहां तुम रो रो कर मुझे बेवफाई का इल्जाम लगाती थी। मैंने तुम्हारी वजह से अपनी माँ से लड़ाई की, अपनी मंगनी खत्म की, और अब तुम मुझसे बात तक नहीं कर रही। मुझे तुम्हारी दोस्त ने बताया है कि तुम अपनी खाला के बेटे के साथ शादी करने वाली। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं कराची आ जाऊंगा। सुन रही हो ना तुम? हेलो हेलो। अच्छा तो अब मुझसे बात तक करना भी गवारा नहीं। मैं मासूमा नहीं हूँ। लेकिन ये नंबर तो मासूमा का है। जी बिल्कुल, आप अपना एड्रेस बताइए, हम आके आपसे मिलेंगे। अगर आप मुनासिब लगे तो मासूमा का रिश्ता आपसे ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। बाजी आप अपना तारुफ तो करवा दें। पहले अपने बारे में आप तफसील से बताइए। मैं हैदराबाद से ताल्लुक रखता हूँ। जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा।